नमस्ते दर्शक मित्रों, पिछले कुछ वीडियो में हमने सारे गम पद निशा कैसे बजाते हैं दो तीन अलग अलग स्केल से सीखा और थोड़ा सा अलंकार के बारे में हमने जाना। जो थोड़ा सा जाना है वो थोड़ा सा नहीं है, बहुत कुछ है, क्योंकि उसमें से ही आपको अलग अलग अलंकार बनाने हैं और बजाने हैं अलग अलग ताल के साथ। वो भी हम आगे और करते रहेंगे। और इसके बाद एक वीडियो हम तानपुरे पे जो गाते हैं, तानपुरे पे किसको गाना चाहिए, कैसे गाना चाहिए, थोड़ा और उसके बारे में बातें भी करेंगे। लेकिन उस बीच हम आज अच्युतम केशवम, एक छोटी सी कंपोजिशन है, और जो लोग सारे गमा पदनिशा बजाना जानते हैं, वो हर कोई जो सारे गमा पदनिशा बजा लेता है वो भी उसको आराम से बजा पाएगा, ऐसी छोटी सी कंपोजिशन है। तो चलिए हम उसको आज सीखते हैं। सी शार्प से बजाते हैं, सी शार्प यानी काली एक। ये कंपोजिशन एरिया उसका बहुत कम है, कम सुरों में उसको बनाया है, यानी अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही। तो हम और उसको ऊपर के स्केल में बजा सकते हैं, डी शार्प यानी काली दो, सफ़ेद तीन, सफ़ेद चार यानी एफ, एफ शार्प काली तीन, यहाँ से बजा सकते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, इस तरह से बजा सकते हैं। लेकिन हम नॉर्मल एक स्केल देते हैं सी शार्प, यानी सी शार्प से सारे गम अगर बजाया है तो आपको इजी हो जाएगा, और गाना भी छोटे बच्चों को भी बजाना हो, गाना हो तो भी कर सकता है, इसलिए हम काली एक से उसको बजाएंगे। तो अच्युतम सारे ग अच्युतम केशवम, सिंपल है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अभी यही कंपोजिशन में आगे बजाना है, आपको वर्डिंग को सेट करना है। मैं एक अंतरा उसका आपको गा के बजा के सुना देता हूँ, फिर आप उसको सेट करिए। स्वर स्वरांकन जो है वो वही रहेगा कंपोजिशन, लेकिन शब्द बदलेंगे, है ना, लिरिक्स बदलेंगे। जैसे कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तो हम कौन कहता है भगवान आते नहीं, है ना, वही है। कौन कहता है भगवान गरेसानी आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। फिर से, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो मैंने ये उसके बेसिक जो नोट्स है वो दिखाया, फिर हम उसको थोड़ा और गायकी से बजा सकते हैं, लेकिन वो आगे के लेवल वाले, ये जो है सारे गमा जो बजाते हैं उनके लिए। एक्चुअली इस तरह से जो बजाते हैं देख के वीडियो में, उनका एक लेवल ऐसा ही रहता है, अगर वो आगे के लेवल को अगर बजा सकते हैं तो उनको वीडियो की ज़रूरत नहीं है, फिर वो खुद ही बजा लेंगे, ठीक है ना। इसलिए जिनको सारे गमा पद निशा आता है और थोड़ी फिंगरिंग होती है, उनके लिए ये सब गाने होते हैं। फिल्मी गाने भी हम कुछ डालेंगे आगे, ठीक है ना, फिल्मी जो गाने होते हैं वो भी करेंगे। लेकिन बात वही है कि अपने आप बजाना आपको सीखना है, और अपने आप बजाने के लिए वही प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना ही, आप उसको बजाइए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।